आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब आफ्टर फार्मेसी। फार्मेसी करने के बाद बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्री का सिनारियो है, जो शिफ्ट्स हैं, टाइम है, वो सभी को नहीं जमता है। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमें भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब में आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सी ऐसी चीज़ें, वैसे आपको सैलरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बाकी जो आपकी जॉब सिक्योरिटी है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें, फ्रॉम स्टार्टिंग बी फॉर्म फाइनल ईयर से या डिप्लोमा फाइनल ईयर से। जब भी आप चाह रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप एक साल पहले से, दो साल पहले से ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चालू कर दें, क्योंकि फार्मेसी के बाद भी आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जो रेगुलर इंटरवल पर निकलती रहती है। तो आइए चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब हमेशा ही डिमांड में रहती है और बहुत से लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप नेशन को सर्व कर सकते हैं इसके अंदर, ओके। और जो फार्मेसी स्टूडेंट है वो तो बहुत ही अच्छा और नेक काम करते हैं कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर दवाई देना या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि मानवता की सेवा में आती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप फार्मेसी के बाद एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। और काफ़ी लोग, मोर देन 50% लोग आफ्टर फार्मेसी ये सोचते हैं कि हमें भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और बहुत सारे लोग इसे हमेशा देते हैं, पर कुछ ही इसमें क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि फार्मेसी के अंदर इतनी वैकेंसी नहीं निकलती है। मीन्स वैकेंसी तो बहुत होती है, पर जो सीट्स होती हैं वो थोड़ी, वैकेंट सीट्स थोड़ी कम होती हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना एक निश्चित समय से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत पहले से, और कैसे उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ आप कुछ छोटी छोटी कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको रेगुलरली फॉलो करनी है, जिनको फॉलो करने के बाद आप आराम से एक गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई कर सकते हैं। पॉइंट तो मैं आगे बताऊंगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब में ही फ़ायदा दे या फिर गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करने में ही आपको यूज़फुल हो। ये प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब के लिए भी आपको बहुत यूज़फुल है। अगर आप ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब इंटरव्यूज़ को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज़ जो होती है वो होती है न्यूज़पेपर। आपको डेली करंट अफेयर से अप टू डेट रहना होगा। तो ये आदत आप बनाएं कि आप हमेशा एक न्यूज़पेपर को पढ़ें, सिलेक्ट कर लें। अगर आप इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा होता है आपके लिए। स्टार्टिंग विद, अगर मेरा सजेशन देखेंगे तो आप फ्री प्रेस, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्री प्रेस से। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना, और बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल होती हैं। वैसे तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही ज़्यादा यूज़फुल होता है आपको, पर इंस्टेड अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं डेली, तो आप वीकली मैगज़ीन को भी ट्राई कर सकते हैं, पर न्यूज़पेपर ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन मैगज़ीन्स। तो आप ट्राई करें कि आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें, इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए भी रेगुलर प्रिपेयर करते रहेंगे। क्योंकि अगर 20% भी अगर जीके आता है तो उसके अंदर 10 टू 15 क्वेश्चंस हमेशा करंट अफेयर्स से आते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ आती है इंग्लिश। जनरली इंग्लिश का यूज़फुलनेस प्राइवेट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। जनरली अगर फार्मेसी आप करते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब पाते हैं फार्मासिस्ट वगैरह की, तो इंग्लिश का इतना नीड नहीं होता, पर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसमें इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जो पेपर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे फार्मासिस्ट का वगैरह, काफ़ी जगह पर इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है। तो आप छोटी मोटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो देर इज़ नो नीड, बट अगर आप अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो आपको इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करनी होती है। दूसरी चीज़ की अब हम बात करेंगे, वो है वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर। हमेशा कैरियर पेजेस, जो कि न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए हैं, फेसबुक ग्रुप्स आ गए हैं,
आप देखते रहें रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे उन्हें देखते रहें कि कहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल रही हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि कहाँ पर वैकेंसी निकली है, आप फिल ही नहीं कर पा रही हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो, आपकी जो पढ़ाई है वो बेकार हो जाएगी। तो आप जब भी तैयारी करें तो आपकी आई करियर पेजेस, न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर पे, वेबसाइट्स पे, ग्रुप्स पे ज़्यादा ध्यान दें कि कहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। आप हमारी वेबसाइट www.pharmaforyou.in को भी देख सकते हैं, जिस पे हम रेगुलरली जॉब पोस्ट करते रहते हैं। आप यहाँ पर सेक्शन में जाके गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स जो अवेलेबल हैं वो दिख जाएंगी इंडिया के अंदर। दूसरी चीज़ आती है आपके मेन कोर फार्मेसी सब्जेक्ट। फार्मेसी सब्जेक्ट जनरली जो फार्मेसिस्ट की एग्ज़ाम होती है, ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम होती है, उसमें फार्मेसी के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जो पहले हमने देखा, इंग्लिश, आपकी करंट अफेयर्स, ये चीज़ें भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ साथ में आपको फार्मेसी सब्जेक्ट्स का भी डीप नॉलेज होना चाहिए। तो यह आपकी मेरिट डिसाइड करने के लिए सबसे मेन जो टॉपिक या सब्जेक्ट्स होते हैं वो फार्मेसी के सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जनरली 80% या मोर देन 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो फार्मेसी से आते हैं इन फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम या इन ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स। तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखना होते हैं। अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर रखना चाहते हैं पहले से, तो सब्जेक्ट मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाए, आपको फार्माकोलॉजी सबसे अच्छी पढ़नी होती है, क्योंकि जब भी फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकलती है तो फार्माकोलॉजी अच्छे से पूछी जाती है डीप में। जनरली कोई डॉक्टर भी अगर पेपर बना रहा होता है तो वो फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पूछेगा। देन फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स भी अच्छे से पढ़ना होती है आपको। एक हमने एक वीडियो पहले भी पोस्ट किया है कि कौन कौन सी बुक रिफ़र करें आप, वो जीपैट के लिए डाली थी, पर आप उसको फार्मासिस्ट और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक्स हैं वो अच्छी बुक्स हैं और आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से क्वालिफाई, मतलब अच्छे से आप पढ़ पाएंगे इनको डीपली, और ये हर एग्ज़ाम में आपको काम देंगे। तो पहला सब्जेक्ट जो होता है फार्माकोलॉजी, सेकंड होता है फार्मास्यूटिक्स, देन फार्माकोग्नोसी, अगर आप पढ़ सकें तो केमिस्ट्री, एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजी, एंड देन दूसरे अदर सब्जेक्ट्स। नॉलेज आपको सभी का होना चाहिए, डीपली होना चाहिए, पर फार्माकोलॉजी, सूटिक्स और कोग्नोसी अगर आप कर लेते तो मोर देन 70% क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें, ये प्रिपरेशन अप टू डेट रखते हैं और जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, तो आपको ये सारी प्रिपरेशन अपनी रेडी रखना होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी हैं, एग्ज़ाम्स के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एक बार देखना चाहिए, उनके सॉल्यूशन खुद करना चाहिए, नहीं आते हैं तो उनसे रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरली जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं को देखकर नए क्वेश्चन पेपर बनते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे एज इट इज़ होते हैं, पर हाँ कुछ क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, तो आप पुराने क्वेश्चन को कवर अप करें। कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स पुराने पेपर्स को आप सॉल्व करें। अगर आप फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फार्मासिस्ट के पेपर्स देखें, और अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर देखें। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आती है तो आप सारे टॉपिक्स को एक एक वाइज ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं।